हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं अल्टीमेट बिगिनर गिटार लेसन्स। सो दिस इज द फिफ्थ लेसन ऑफ द अल्टीमेट बिगिनर गिटार लेसन सीरीज। हमने पिछले लेसन में सीखा कि हाउ टू पिक द गिटार और दो बेसिक एक्सरसाइजेस सीखी, द सिंगल स्ट्रोक एक्सरसाइज और द सिंगल स्ट्रोक अल्टरनेट एक्सरसाइज। ओके, सो हमने बोला था कि सिंगल स्ट्रोक अल्टरनेट एक्सरसाइज इज द बेटर वे टू गो। सो अब हम उसी एक्सरसाइज में और स्ट्रोक्स ऐड करेंगे और ट्राई करेंगे हमारे हैंड को मोर एफिशिएंट और क्विक बनाने का। सो द अदर एक्सरसाइजेस आर टू स्ट्रोक, थ्री स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। द टू स्ट्रोक एक्सरसाइज, द टू स्ट्रोक अल्टरनेट पिकिंग एक्सरसाइज, एज द नेम सजेस्ट कि हम हर एक स्ट्रिंग पे पहले दो स्ट्रोक मारेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जाएंगे। So that goes like this: down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. अब ऊपर आते टाइम हम अप से चालू करेंगे। So it is up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Okay? So this was the two-stroke alternate picking exercise. अब हम करेंगे three-stroke alternate picking exercise, जो कि थोड़ी सी tricky है। अब उसको कैसे याद रखना है कि हम हमेशा अल्टरनेट स्ट्रोक देंगे। सो दैट इज लाइक डाउन अप डाउन अप। सो अगर हम इसको थ्री थ्री के फॉर्म में रखें, सो इट विल बी डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, सो वही फैशन में हम सिक्स फिफ्थ फोर्थ ऐसे, मतलब वही फैशन में हम बजाएंगे। सो दैट विल बी द सिक्स स्ट्रिंग पे हम बजाएंगे डाउन अप डाउन और फिफ्थ स्ट्रिंग पे हम बजाएंगे अप डाउन अप। सो दैट गोज लाइक दिस। ऊपर आते टाइम हम अब से चालू करेंगे। अब मैं आपको साथ में बोल के भी बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रोक मार रहे हैं हम। सो इट इज अप डाउन 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 अप डाउन। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि आप सही बजा रहे थे या बीच में आपने कुछ भी मिस्टेक करी है, क्योंकि मैं तो वहां पे आपके साथ हूं नहीं फिजिकली, सो आप कैसे पता कर सकते हैं कि अगर आपने पूरी एक्सरसाइज सही परफॉर्म करी या गलत। सो जब आप एंड करेंगे, जो मेरा एंडिंग स्ट्रोक था दैट इज डाउन, वो मेरा फर्स्ट स्ट्रोक से मैच करना चाहिए। लाइक फर्स्ट स्ट्रोक क्या था हमारा, डाउन अप डाउन। ओके, सो लास्ट में मेरा वही आना चाहिए, डाउन अप डाउन। हम वापस एक बार ट्राई करते हैं। Up down 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 up down, right? मैं वापस जो सिक्स स्ट्रिंग पे स्ट्रोक था मेरा वो सेम रहा। ओके, सो इस तरह से आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे फोर स्ट्रोक अल्टरनेट पिकिंग एक्सरसाइज। सो इसमें एज द नेम सजेस्ट हम हर एक स्ट्रिंग पे फोर स्ट्रोक्स मारेंगे। सो दैट इज डाउन अप 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 डाउन अप। अब ऊपर आते टाइम हम अप से चालू करेंगे। सो इट इज अप डाउन 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 अप डाउन। ओके, सो दैट वॉज द अल्टरनेट पिकिंग एक्सरसाइज। अब इसको हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। So now the next exercise, that is the alternate picking and the string skipping exercise. उसमें भी चार स्ट्रोक रहेंगे, वन स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, थ्री स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। सो वन स्ट्रोक अल्टरनेट पिकिंग स्ट्रिंग स्किपिंग एक्सरसाइज वो क्या है, एज द नेम सजेस्ट हम हर एक स्ट्रिंग पे एक ही स्ट्रोक मारेंगे और वो जो अल्टरनेट होगा, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक स्ट्रिंग को स्किप करेंगे। सो दैट विल बी सिक्स फोर फाइव थ्री फोर टू थ्री वन। ये मैं बोला स्ट्रिंग के नंबर। अब हम स्ट्रोक देखेंगे। सो दैट विल बी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। जब हम लास्ट स्ट्रिंग यानी फर्स्ट स्ट्रिंग पे पहुंचते हैं तब हमें रोक देना है अप लेके, वापस सेकेंड स्ट्रिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, और जब ऊपर आते टाइम भी आते हैं सो सिक्स स्ट्रिंग पे उसको एंड कर देना है। सो द एक्सरसाइज इज अगेन, आई विल शो यू वंस अगेन। So that is down, up, down, up, down, up, down, up. Now we'll start from up. So it is
up, down, up, down, up, down, up, down. Okay? So now we'll move forward and now we'll see the two-stroke alternate picking string skipping exercise. So that is... Now let's move on to the three-stroke alternate picking string skipping exercise. Now let's move on to the four-stroke alternate picking string skipping exercise. So that is... Now, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सारे एक्सरसाइजेस करके क्या है, हमको सीधा गिटार प्ले करना है. बट नो गाइस, ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे और अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे जाके आपको बहुत ही बेनिफिट होगा. एंड विल थैंक मी एट दैट टाइम कि थैंक यू फॉर द एडवाइस दैट यू गेव अस अर्लियर. क्योंकि ये जो है, अगर आपका राइट हैंड बहुत ही स्ट्रांग होगा सो आगे जाके व्हेन यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद योर लेफ्ट हैंड वो बहुत ही ईजी हो जाएगा. सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या क्वेरी है रिगार्डिंग दिस लेसन तो आप नीचे कमेंट्स में या तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं. आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको लेसन में मज़ा आया हो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल कैच यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू लेसन. थैंक यू. टिल देन टेक केयर.